सर मेरा नाम विकास कुमार और मैं मेड से आया हूँ और मैं यूपी पुलिस में जॉब करता हूँ। क्या प्रॉब्लम थी सर? मुझे सबसे पहले 2008 में नीचे रेटिंग के रास्ते पास एक फोड़ा बना था, तो उसका मैंने वही लोकल में एक कलकत्ता क्लिनिक है उसी में मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे कुछ एंटीबायोटिक दी जिससे मुझे कुछ रिलीफ मिला, लेकिन खून तक नहीं मिला। फिर 2009 में मैं डॉक्टर सचिन गुप्ता हरिद्वार में बैठते हैं पंजली में, उनके पास गया, उन्होंने मुझे बताया कि ये आपको फेस्टूला है। उसके बाद मैंने लोकल कई डॉक्टरों से इसके बारे में वो किया। फिर कितने डॉक्टर को दिखाया होगा? कम से कम मैंने करीबन 15-16 डॉक्टरों से मिला जी, उनके पेशेंटों से मिला, उसके बारे में मालूम किया फेस्टूला के बारे में, रीजन के बारे में। पेशेंटों में आप हरिद्वार में भी मिले होंगे? हाँ, हरिद्वार मिला, तो उसमें मुझे एक उड़ीसा के पेशेंट थे जिनका ऑपरेशन सचिन गुप्ता जी ने पंजली में किया था, रामदेव का जो अस्पताल है उसमें, तो उसमें बताया कि मेरा 8-9 महीने से मतलब धागा छाछ उससे ऑपरेशन हुआ था, और जब मैं उनसे मिला था 1 साल बाद भी वो बताते मेरे को 4 सेंटीमीटर बचा है अभी। अच्छा, 1 साल तो उसमें कई उनकी दवाई खाता रहा, उसमें उसकी होम्योपैथिक की दवाई काफ़ी खाई। अच्छा, उससे मुझे मतलब इतना ज़्यादा परेशानी बढ़ी नहीं, लेकिन ठीक नहीं हुआ पूरी तरह से। कब्ज की दवाई होती थी थोड़ी, कब्ज ठीक हो जाती होगी? कब्ज ठीक हो जाती, लेकिन कब्ज रहा उसकी मुझे बहुत समस्याएं लगी, मेरा वजन भी बढ़ा उससे, और मैं माइंड उस चीज़ है इसके बारे में सोच सोच के माइंड ही डिस्टर्ब ही हो गया था। 2012 में मैंने इसको बहुत ज़्यादा दिल पर लिया, फिर मैंने 10-12 साल से है। हाँ, फिर दो हज़ार 2019 में मैंने आपकी आशीष मनोहर की वीडियो जो यूट्यूब पे देखी, और देखने के बाद मुझे उनके द्वारा जो बताया गया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैं 13-9-2019 में अगर डॉक्टर साहब से मिला, मिलने के बाद मुझे मतलब काफ़ी उनकी उससे काफ़ी मैं सेटिस्फाइड हुआ। सेटिस्फाइड होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ अपना ऑपरेशन कराऊँ। मेरा डॉक्टर साहब ने मुझे डिसाइड किया कि 1-2 सर्जरी में आपका जो है, एक में भी ठीक हो सकता है, 2 में पूर्ण ठीक हो जाएगा। तो मेरी फर्स्ट सर्जरी 19-9-2019 में हुई, और उसके बाद में दोबारा जब डॉक्टर साहब को दिखाने आया तो डॉक्टर साहब बताया कि ठीक हो गया, दर्द मुझे बिल्कुल नहीं हुआ शुरू से ही, और मैं ऑपरेशन के नेक्स्ट 2 डेज बाद ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मैं ड्यूटी करता रहा, हार्ड ड्यूटी होती है पुलिस में जॉब करता हूँ, तो सीटिंग ज्यादा होती है उसमें, और खाने पीने का भी ऐसी है, लेकिन सब पर ध्यान रखा गया, तो मेरा जो है एक ही सर्जरी में पूर्ण तरह कम्प्लीट हो गया। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि ये बीमारी साहब ऐसी है, मैंने इसके बारे में सुन सुन के आप आदमी खाली इसके बारे में बात करेगा तो ही डिप्रेशन चला जाएगा। पेशेंट हमारे पास आते हैं बिल्कुल फेस पूरा मायूस हो चुका होता है, क्योंकि अब तो मैं जाते हैं पूरा चेहरा ही चेंज हो जाता है। अब तो साहब मैं मतलब इस बीमारी से मतलब इतना काफ़ी दिन से पेशेंट वो परेशान था कि मैं जिसको फेस्टूला होगा उसका चेहरा देख के बता दूंगा उसको फेस्टूला है। okay. उसके बिना बताए बता दूंगा, जितने पेशेंट बाहर अभी मैं आया था तो बाहर बैठे थे, मैंने उनके बिना बताए बताया कि पहला ऑपरेशन है या फर्स्ट टाइम आए हैं, क्योंकि ये है वो आदमी जिसको फेस्टल होता है वो आदमी अपने आप में ही घूमता रहता है दिमाग उसका। तो दो चीज़ें हैं, एक तो बीमारी मुश्किल है, ऊपर से एरिया ऐसा है कि आदमी शर्माता रहता है, डिस्कस नहीं कर पाता। इसी ये जितना ये मैं और भी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस बीमारी में जितना से हो से मतलब जितना हो सके इसको छुपाएं नहीं, जितना इसको छुपाएंगे ये इतना बढ़ेगा। और जब छुपाते हो आप तो फिर आपको सही लोग के पास पहुंचने की जगह आप उल्टे पुल्टे जगह पहुंच जाते हो, फिर वहां आप सही इलाज नहीं होता, फिर आदमी और गड़बड़ में हो जाता है। सही इलाज के कारण भी ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है, हमारी सही इलाज नहीं हुआ दोबारा हो गया तो ये आप परेशानी 10% 20% और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बढ़ी जाती है, हमारे पास आते हैं कई कई ऑपरेशन कराने के बाद पहुँचते हैं, कई बार हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है, लंबा चलता है,
हमें भी समझ नहीं आती कि पेशेंट को कैसे बताएं कि आपका इतना खराब हो गया, इसमें इतना टाइम लगेगा। हमारे ये दिल्ली के चौहानपुरी के रहने वाले हमारे फूफा हैं, उनका ऑपरेशन हुआ था फेस्टुला का जी, उनकी ट्यूब खराब हो गई, उनको कभी मोशन हो जाता पता नहीं चलता उनको, तो इसी से मैं काफ़ी घबराया हुआ था, तो मैं सही डॉक्टर चूज किए, उसी दिन इलाज हुआ और आज सही भी हूँ और अच्छा फील कर रहा हूँ। और कुछ अगर आपका कांटेक्ट अगर आप शेयर करना चाहते हो अपने भाइयों को दोस्तों को बताना मैं चाहेंगे? सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि अगर जिन भी लोगों को फेस्टुला की प्रॉब्लम है वो मेरा नंबर 8960770237 एक बार तो रिपीट 8960770237 ये मेरा मोबाइल नंबर है और इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर आशीष बेनोट जो न्यू दिल्ली सामा हॉस्पिटल में बैठते हैं इनके द्वारा एक ट्रीटमेंट कराएं।